बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा है कि हेमा और बाकी साथी जो प्रयास कर रहे हैं। जिसका आपकी चर्चा जो गेम थी वो सीबीएस में जो दुर्गा टाइगर मेघवाली ने पुस्तकें लिखी और विवरण किया, मेरा अनुभव में मैंने 1995 में सीबर एंड मेमोरी सत्ता की एक किताब में बड़ी पढ़ी। मैं उस समय देखता था कि इस प्रकार की दिक्कत तो समस्या होती है, लेकिन एक बड़ी चीज जो हमको सोचनी और समझनी पड़ेगी। मैं एक उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली में प्रदूषण के कारण उद्योग बंद हो गए, लाखों मजदूर भूखे मरने वाले थे 2014। हम बीपीसी जी के पास गए, उनसे आग्रह किया कि मजदूरों की आधी रोटी बचानी है, कि निकम्मी सरकार आधी रोटी नहीं देती, व्यापारी बीस रोटी खाता है, मजदूर को आधा रोटी है। सवाल यह है कि अगर आधी रोटी छीन गई तो जहर से कुछ साल में मरेगा और बिना रोटी के 24 घंटे 48 घंटे मौत संभव है। हमारे देश में कुछ इलाकों में आज भी सरपंच आप समझते बैठक होने की व्यवस्था लोगों की है, मजबूरी है। जब तेजस्वी पांडे ने यह अभियान शुरू किया था तो देश और दुनिया में जितने भी सामाजिक सुरक्षा रखने वाले लोगों का बड़े खुश हुए। मेरे को देश के अलग अलग राज्यों में जाना पड़ता है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे देश में सर पर बल होने से मुक्ति की तरह एक बड़ा अभियान चला, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है जैसे उस काम की तरक्की हुई, उसका काम नेचर ऑफ ब्यूटी बदली हुआ, सारे के सारे सुंदर शौचालय की माली, उसके इंचार्ज, उसकी देख रेख, उसके कलेक्टर, उसके परिवार पलने वाले सब ग्रामीण। अब जानते हैं ना मसला था कि जो सफाई कर्मचारी सर पे उठाकर घायला ठोकर मजबूरी में परिवार पाल रहे हैं, उनके जीवन स्तर को कैसे ऊंचा किया जाए। हेमा जी और बाकी साथी दिल्ली सरकार भी कह रही है कि दूसरा पड़ाव वो है बहुत दुखद। इस आधुनिक युग में, वैज्ञानिक युग में सफाई कर्मी नीचे उतरते हैं और जागरूक होते हैं। सौभाग्य की बात है कि जागरूक सरकार है और संगठनों के लोग लगे हुए हैं, सरकार उसका मशीनीकरण करने जा रही है। लेकिन मशीनीकरण के बाद ये गांव वाल्मीकि समाज के लोगों के पास ही रहे कि क्या गारंटी है, ये बड़ा सवाल मेरे मन में बैठते कह रहा हूं। अभी बेनीवाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि पहले जमीन की मालिकत मिलती थी, मैं और मेरे जैसे लोग महसूस करते हैं 25 करोड़ ज्यादा आबादी। अभी हमारे देश में पूरे राष्ट्रद्रोह के लिए काम करते हैं तो सब के सब लोग अपर कास्ट कर जमीनों के बड़े बड़े जमीनों के मालिक और बड़े बड़े फार्म हाउसों के मालिक, तो 25 करोड़ ज्यादा आबादी जो भारत के लिए मार्केट के लिए तैयार है उसके पास एक स्वीट की रोक रखने के लिए ज्यादा नहीं है देश के अंदर एक दुर्भाग्य है और वो देश के लिए मत मिटने वाले लोग। तो सवाल मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि विंध्येश्वरी पाठक के सुलभ शौचालय ने बाल्मीकियों को बेरोजगार कर दिया, काम की तरक्की हुई एक अच्छी बात है, सारा पत्र प्राप्त हो। इसके लिए भी कोई ऐसा एक मैकेनिज्म होना चाहिए नेता जी, ऐसी कोई व्यवस्था रहनी चाहिए कि ये एक उदाहरण बने कि जो खेल और तरीका विंध्येश्वरी जी के हाथ से निकला था वो दिल्ली में सीवेज सफाई में मशीनों के आने के बाद बाल्मीकियों के हाथ से छीन कर फिर किसी ऊंची जाति के हवाले हो जाए। धन्यवाद।